Now children, let's start our next topic, that is word problems, page number 97. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड पे रखनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम सम वेरी केयरफुली. ठीक है, जो आपके सामने प्रॉब्लम सम है, स्टेटमेंट सम है, यू हैव टू रीड वर्ड बाय वर्ड और उसको अच्छी तरह रीड करना है. ठीक है, सेकेंड अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट लग रही है, यू हैव टू अंडरलाइन इट. थर्ड, लुक फॉर द की वर्ड्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द की वर्ड्स. स्टेटमेंट सम में कुछ की वर्ड्स होते हैं दैट शो यू दैट द सम इज वेदर यू हैव टू एड और वेदर यू हैव टू माइनस, क्या करना है, तो वो आपने वर्ड्स को बीच में से ढूंढना है. ठीक है, की वर्ड्स. For addition, we have the following keywords that always show that the problem sum is of addition. तो हमने ये वाले words हमें ये बताते हैं कि हमारा word problem में हमने क्या करना है, we have to add. So, what are the keywords for the addition? In all, total, altogether, sum of. ठीक है, so let us revise once more. क्या क्या है हमारे एडिशन के कीवर्ड्स? यस, नंबर वन, इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर, सम ऑफ. जब भी ये हमारे कीवर्ड्स प्रॉब्लम सम में होंगे, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है. ओके, नाउ चिल्ड्रन कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स पेज 97 एंड 98. फर्स्ट क्वेश्चन, राम हैज 26 स्टैम्प्स, ही कलेक्ट्स 50 मोर स्टैम्प्स, हाउ मेनी स्टैम्प्स डज ही हैव ऑल टुगेदर. ठीक है, तो हमारा कीवर्ड है, क्या है यहाँ पे कीवर्ड? यस, अ कीवर्ड इज ऑल टुगेदर. सो ऑल टुगेदर मीन्स यू हैव टू एड. वेरी गुड. तो पहले हम क्या लिखेंगे? यस, वी हैव स्टैम्प्स. ओके, हाउ मेनी स्टैम्प्स वी हैव? 26. ही कलेक्ट्स 50 मोर स्टैम्प्स, हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स? यस, ऑल आर राइट. राम हैज कलेक्टेड 50 more stamps. So all together means what you have to do, you have to plus. So hum kya karenge, isko add karenge. So we have to start from ones column, 6 plus 0, 6. Then tens column, 2 plus 5, yes. Keep 2 in your mind, 5 on the fingers, and we have to count forward from 2. Yes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what will come? 7. Hence, we have, Ram has 76 stems all together. Okay, so this is the way to solve the problem sum. So next question, question number 2. A man planted 34 trees, he plants 23 more. What is the total number of trees he planted? ठीक है, planted means किसी ने प्लांट्स को क्या किया है, लगाया है. ठीक है, तो प्लांट्स को लगाया है, कितने लगाए हैं? 34. और उसने बाद में और कितने ज़्यादा लगा लिए? 23. सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज? तो बताओ यहाँ पे कीवर्ड कहाँ पे है? यस, टोटल. टोटल मीन्स दैट यू हैव टू ऐड. सो कम टू द वर्किंग, ट्रीज 34, मोर ट्रीज 23.
टोटल ट्रीज मीन्स वी हैव टू एड प्लस, तो प्लस का साइन डालना है हमने. इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू पुट द साइन. ओके, सो कम टू द वंस कॉलम, 4 + 3 = 7. कम टू द टेंस कॉलम, 3 + 2 इट विल गिव यू 5. हेंस ही प्लांटेड 57 ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. रेवा सॉल्व्ड 10 सम्स इन द मॉर्निंग. तो रेवा ने क्या किया, रेवा ने सॉल्व किया मींस सम को सॉल्व किया है. कब किया है 10 सम्स उसने किए हैं, मॉर्निंग में. शी सॉल्व्ड 20 मोर सम्स इन द इवनिंग. तो उसने 20 और ज्यादा किए हैं. कब किए हैं, इवनिंग मींस शाम को. हाउ मेनी सम्स हैज शी सॉल्व्ड ऑल टुगेदर. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारा, यस कीवर्ड इज ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मीन्स प्लस करना है हमने. कम टू द वर्किंग सम्स, 10 मोर सम्स 20 ऑल टुगेदर. कम टू द मीन्स हमने क्या करना है, प्लस करना है. वंस कॉलम 0 + 0 इट विल गिव 0. 1 + 2 इट विल गिव यू 3. सो हेंस शी हैज सॉल्व्ड 30 सम्स ऑल टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर 15 रेड फ्लावर्स एंड 22 ब्लू फ्लावर्स. हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल. सो व्हाट इज अ कीवर्ड हियर, यस कीवर्ड इज इन ऑल. इन ऑल मींस यू हैव टू ऐड. सो कम टू द वर्किंग पोर्शन. रेड फ्लावर्स 15, ब्लू फ्लावर्स 22. फ्लावर्स इन ऑल मींस प्लस. वंस कॉलम 5 + 2 = 7. टेंस कॉलम 1 + 2 = 3. हेंस 37 फ्लावर्स आर देयर इन ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 57 कार्स इन अ पार्किंग प्लेस. तो पार्किंग प्लेस क्या होती है, यस पार्किंग प्लेस वो है जहाँ पे हम अपनी कार्स क्या करते हैं, पार्क कर देते हैं, राइट. 32 मोर कार्स आर पार्क्ड लेटर. तो 32 बाद में और आ गई पार्किंग एरिया में. हाउ मेनी कार्स आर देयर इन ऑल. तो हमने क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ कार्स. इन ऑल मीन्स प्लस. वर्किंग कार्स 57, मोर कार्स 32. कार्स इन ऑल मीन्स प्लस. वंस कॉलम 7 + 2 = 9. टेंस कॉलम 5 + 3 = 8. सो हेंस देयर आर 89 कार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमेन बाइज 44 टॉफीज फ्रॉम वन शॉप. ठीक है, तो एक वुमेन ने क्या किया, कुछ टॉफीज बाय की फ्रॉम वन शॉप. कितनी टॉफीज, 44, एंड 55 फ्रॉम अनदर. तो उसने एक 55 टॉफीज दूसरी शॉप से बाय कर ली. हाउ मेनी टॉफीज शी हैज इन ऑल. अब उसके पास टोटल कितनी सारी टॉफीज होंगी. इन ऑल, इन ऑल मीन्स यू हैव टू ऐड. टॉफीज 44, मोर टॉफीज 55. टॉफीज इन ऑल. वंस कॉलम 4 + 5 = 9. टेंस कॉलम 4 + 5 = 9. Hence, she has 99 toffees in all. Next sum. A shopkeeper sells 25 books in the morning. ठीक है, sells का मतलब क्या होता है, बेचना. ठीक है, तो shopkeeper वाले अंकल ने मॉर्निंग में कितनी बुक सेल की, 25. And 34 books in the evening. और उन्होंने evening means शाम को कितनी बुक सेल कर दी, 34. हाउ मैनी बुक्स डिड ही सेल इन अ डे. तो उस उन्होंने कितनी बुक्स सोल्ड कर दी, सेल कर दी एक दिन में. ठीक है, तो बुक्स इन द मॉर्निंग 25, बुक्स इन द इवनिंग 34. सो बुक्स इन अ डे मीन्स बुक्स इन ऑल. वंस कॉलम 5 + 4 = 9. 2 + 3 = 5. हेंस ही सोल्ड 59 books in a day.
Come to the next question. In a class, there are 45 boys and 41 girls. How many children are there in all? So what is the keyword here? Yes, in all. In all means you have to add. ठीक है, तो क्लास में कितने बॉयज हैं हमारे पास? 45 बॉयज. एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 41. ठीक है, तो चिल्ड्रन इन ऑल मींस टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स टुगेदर. ओके, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 4 8, हेंस देयर आर 86 चिल्ड्रन इन ऑल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जूली हैज 35 नट्स and her friend Bushy has 43 nuts. ठीक है, तो जूली के पास कितने nuts हैं? 35. And Bushy के पास कितने हैं? 43 nuts. How many nuts do they have all together? So यहाँ पे keyword क्या आ रहा है? All together. So all together means plus. So come to the answer. Number of nuts Julie has 35. Number of nuts Bushy has 43. Nuts in all. Ones column 5 plus 3 8, tens column 3 plus 4 7. Hence they have 78 nuts all together. So children, this is the way to solve the problem sums. So we have completed the problem sums given on page number 97 and 98.